गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज परमार। आज हम DCM का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 46 प्रॉब्लम देखिए, रेशियो ऑफ CP एंड CV ऑफ ए गैस इज 1.4, ठीक है। आपको गामा की वैल्यू दे रही है, बेसिकली CP बाई CV की जो वैल्यू दे रही है 1.4 के बराबर दे रही है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1.4 जब आपके पास CP बाई CV की वैल्यू आ जाए तो गैस जो होती है वो बेसिकली आपके पास कौन सी होती है, डाई एटोमिक गैस होती है, ठीक है ना। ये वाली गैस जो होगी वो बेसिकली आपके पास क्या होगी बेटा, डाई एटोमिक गैस होगी, ठीक है ना। डाई एटोमिक गैस है तो इसका मतलब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो गैस को हम A2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द गैस एक्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ इट, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसा दे रखा है कि गैस के 11.2 लीटर लेते हो, तो जब गैस के 11.2 लीटर लेते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आपको पता करना है। तो जब आपके पास वॉल्यूम दे रखा हो तो आप इससे मोल निकाल सकते हो। मोल का फॉर्मूला होता है V/22.4, ठीक है ना। मोल की वैल्यू कितनी, वॉल्यूम दे रखा है 11.2 अपॉन में क्या आएगा 22.4। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितना आएंगे, 1/2 के बराबर, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है N into Na के बराबर। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 इनटू साथ में क्या आएगा, Na की वैल्यू 6.023 × 10³, ठीक है ना। तो ये अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब एक मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है। तो टोटल इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो यहां से नंबर ऑफ, अगर आपको एटम्स पूछे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 2 × 1/2 × 6.023 × 10³, ठीक है ना। 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो 6.023 × 10³, मतलब ऑप्शन नंबर 1 वाला आपके पास क्या कर लेगा, मैच कर लेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रॉब्लम देखिए भाई, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथिलीन। ध्यान दीजिए बेटा, इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है ना। इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है ना। C2H4 का हम क्या करा रहे, कंबशन करा रहे। कंबशन कराओगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, CO2 प्लस साथ में H2 फॉर्म हो जाएगा। बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आ रहे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 4 + 2 कितना होगा, 6। तो इधर 6 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूँ तो इसको आपको कितना लेना पड़ेगा, 3 मोल लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आपके पास अवेलेबल कितना है, 2.3 kg ऑफ इथिलीन दे रखा है। तो 2.3 का मतलब क्या होगा, 2.8 × 10³ ग्राम आपके पास क्या दे रखा है, इथिलीन दे रखा है। और अगर इसके मोल निकालने तो क्या करोगे, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर लोगे, और मोलिकुलर वेट जो होता है इसका कितना होता है, 12 × 2 कितना होगा, 14 + 4 कितना होगा, 28। तो यहाँ पे आपके पास मोलिकुलर वेट कितना होगा, 28। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इसके मोल्स जो आएंगे वो आपके पास कितना आएंगे, एक तरह से 0.1 × 10³ ग्राम के बराबर आएंगे, ठीक है ना। अगर इतने मोल्स आएंगे, ग्राम नहीं, ये मोल्स आ गए, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसका 1 मोल है तो इसके 3 मोल की जरूरत पड़ेगी। अगर इसके आपके पास इतने मोल है तो इसके कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 0.1 × 10³ मोल्स की जरूरत पड़ जाएगी। बात समझ में आ रही। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है ऑक्सीजन का वेट पूछा गया। तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, O2 का मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। O2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 32। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बराबर कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के ये है 3 × 0.1 × 10³ × 32 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो 32 × 3 जो होगा वो कितना आएगा आपके पास, एक तरह से इस तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू ग्राम में दे रखी, तो यहाँ पे आप पास आएगा 9.6 × 10³ ग्राम में आ जाएगा। और आपको पूछा किस में गया, केजी में। और अगर केजी में पूछा गया है तो आप क्या करोगे, 9.6 × डायरेक्ट क्या कर लोगे, केजी लिख लोगे। तो यहाँ पे 9.6 केजी के बराबर आएगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा, 3rd वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते, अगला प्रॉब्लम जरा ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना, क्या दे रखी बेटा, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज डेल्टा ई अपॉन एटम, वो वैल्यू दे रखी है 3.303 × 10⁻¹⁹ जूल पर एटम, देन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एच सी बाई लैम्बडा होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है 3.03, ठीक है, 10⁻¹⁹ इज इक्वल टू, एच की वैल्यू आपके पास होती है 6.6 × 10⁻¾, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू होती है अपने पास 3 × 10⁸ अपॉन में, यहाँ पे आपको क्या निकालना है लैम्बडा, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके पास लैम्बडा की वैल्यू जो भी है वो आपके पास आ जाए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलिए 49 प्रॉब्लम देखिए बेटा, ठीक है ना। 49 प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इन ए क्रिस्टल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कैटाइन एंड एनायन, ठीक है ना। आपके पास क्रिस्टल दे रखा है, आपको ये बताना है कैटाइन और एनायन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो कैटाइन और एनायन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये वाली होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास कैटाइन जो दे रखा है कैटाइन की भी वैल्यू ज्यादा हो और एनायन का रेडियस की भी वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है ना। अब देखो इन चारों के अंदर देखोगे तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपके पास क्या होती है, कैटाइन की साइज बढ़ती है, ठीक है ना। तो इनके अंदर CS और CS की कैटाइन की साइज सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। फिर बाद में अगर NN की अगर बात करें तो NN के अंदर BR और यहाँ पे आपके पास क्या है, I माइनस है, तो I माइनस की साइज जो है वो BR माइनस से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो I माइनस की साइज BR माइनस से ज्यादा होगी, इस वजह से CS I में कैटाइन और NN के सेंटर्स की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चर विथ SiCl4, ठीक है ना। SiCl4 का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, SiCl4 का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है हाइब्रिडेशन sp3r, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। अब देखो SiCl4 का स्ट्रक्चर, SiCl4 के स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो SiCl4 के जरा ध्यान दें, आउटर मोस्ट सेल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा बेसिकली आपके पास क्या होगा, सीसो स्ट्रक्चर होगा, और अगर इसका स्ट्रक्चर सीसो होगा तो इसका मतलब ये वाला जो है इसके साथ आइसो स्ट्रक्चर नहीं होगा, और बाकी वाले जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं SO4-2 PO4-3A, ठीक है ना, ये वाला PO4-3 है भाई, PO4-3 दे रखा है, ठीक है ना, NH4+ है, ठीक है ना। इन सभी में स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो इनका स्ट्रक्चर जो होगा बेसिकली आपके पास क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो इसका मतलब ऐसे ही Cl4 के साथ क्या होगा, आइसो स्ट्रक्चर होगा। तो ये वाला जो है ऐसे ही Cl4 के साथ आइसो स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर कौन सा, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते अगला प्रॉब्लम, ठीक है ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो एक मैं आपको एक बात बता दूं बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, फिर बाद में डबल बॉन्ड की, उसके बाद में क्या आएगी, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो इसमें तीन दे रखे, एक तो O2 दे रखा है, O2 का अगर स्ट्रक्चर बना तो O डबल बॉन्ड आएगा, H2O2 में स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, और O3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना सकते हो आप, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव और इस जगह पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो इसका दोनों का जब इक्विवेलेंट मतलब यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपको ये वाला मिल जाए, ठीक है ना, ये वाला आपको रेजोनेंस हाइब्रिड मिल जाए, इस तरीके से आपको डेल्टा पॉजिटिव है और इस जगह पे डेल्टा नेगेटिव और इस जगह पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला जो है आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाए। अब देखो ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो आपके पास बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, H2O2 की होगी, ठीक है ना, जो कि मैच किसके अंदर कर रहा है, आपके पास फोर्थ के अंदर मैच कर रहा है। इन दोनों की अगर बात करें O2 एंड O3 के अंदर, ठीक है ना, तो O2 में कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, जबकि O3 के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, और जाहिर सी बात है अगर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल डबल बॉन्ड के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा, तो फिर बाद में क्या आएगी O3, उसके बाद में क्या आएगा O2, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलते अपने पास आगे, आपको क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए, आपको ये पूछा गया है द रेशियो अमंग द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना।
आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वी एमपीएस की बात कर रहा है, ठीक है ना। मीन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वी एवरेज की बात कर रहा है। एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वी आरएमएस की बात कर रहा है, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब इसका आपको फॉर्मूला पता है, इसका जो फॉर्मूला होता है टू, आपके पास रूट टू आर टी अपॉन क्या होता है, कैपिटल एम होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है वी एवरेज का रूट एट आर टी अपॉन में क्या होता है, पाई एम होता है, ठीक है ना। जबकि इसका फॉर्मूला जो होता है वी आर एमएस का रूट थ्री आर टी अपॉन क्या होता है, पाई अपॉन एम के बराबर होता है, ठीक है ना। अब इनका अगर तीनों का रेशियो अगर आप लेते हो, ठीक है ना, तो रेशियो लोगे तो जाहिर सी बात है एम एम कट जाएगा इसके अंदर, आर टी कट जाएगा, तो पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, रूट टू बचेगा यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे क्या बचेगा, एट बाई पाई बचेगा, और यहाँ पे आपके पास रूट थ्री बचेगा, जो कि इसमें आपके पास मैच कर रहा है फोर्थ के अंदर, इसलिए आपका आंसर कौन सा बड़ा, फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगली वाली प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एन टू प्लस थ्री एच टू विल गिव यू टू एन एच टू। आपको डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी, आपको मालूम होना चाहिए कि डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, ठीक है ना। आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एच का, वो क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ना। डेल्टा ई की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा ई की फॉर्म में दे रखा है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा एन जी की वैल्यू बात करूँ, ठीक है ना, देखो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म होती है, हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म होती है, और अमोनिया भी आपके पास गैस की फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो डेल्टा एन जी जो है प्रोडक्ट के कितने आए, दो आ रहे हैं माइनस रिएक्टेंट के, एक तो एन टू का आ गया और तीन इसके आगे, टोटल कितना आएगा, चार। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस टू के बराबर आएगा। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू किसके अंदर पुट करोगे, तो डेल्टा एच बराबर कितना आएगा, डेल्टा ई माइनस टू आर टी के बराबर है। डेल्टा एन जी की वैल्यू में अगर टू पुट करता हूँ, माइनस टू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे डेल्टा एच बराबर क्या आएगा, डेल्टा ई माइनस टू आर टी के बराबर आएगा, जो कि मैच कर रहा है किसके अंदर, सेकंड के अंदर, इसलिए आपका आंसर कौन सा बड़ा, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते अगला प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन रिएक्शंस, आपके पास रिएक्शंस दे रखी, ठीक है ना, इसमें आपको डाटा दे रखा, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 निकालना, ठीक है। तो SO2 को हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन बता रहा, तो S प्लस ले तो क्या लेता हूँ, O2 लेता हूँ एलिमेंटल स्टेट से, और यहाँ से आपके पास क्या बनता है, SO2 बनता है। SO2 का एक मोल बनाना है आपको, ठीक है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा। तो मतलब आपको ये वाली रिएक्शन कैसे भी करके निकालना, ठीक है। और रिएक्शन का जो डाटा दे रखा है, इसका डाटा दे रखा है, ठीक है ना, इन दोनों का आपको डाटा दे रखा है। तो यहाँ पे SO2 इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, और अगर प्रोडक्ट साइड में आ रहा है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SO2 इस तरफ आ रहा है तो इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऑपोजिट करता हूँ तो देखो क्या मिलता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, SO3 विल गिव यू SO2 प्लस साथ में हाफ O2 मिल जाएगा, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास प्लस में आ रही है तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, माइनस वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम केस अगर इसकी अगर बात करें, अब देखो इसमें S सेम साइड में आ रहा है, सेम साइड में इसके लिए 2x है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, इस रिएक्शन को, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन को अगर आप जोड़ दोगे, तो ये वाली रिएक्शन ही आपको ऑब्टेन हो जाएगी, और ये वाली रिएक्शन अगर आपको ऑब्टेन हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका जो डाटा आ रहा है 2x माइनस कितना आ रहा है, y, टोटल हीट का, तो 2x माइनस y जो मैच कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, फोर्थ के साथ, इसलिए आपका आंसर कौन सा क्या बड़ा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते अगला प्रॉब्लम देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, PbO2 O2 में जा रहा है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा g की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही, और डेल्टा g की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली रिएक्शन जो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सॉरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा g जब लेस देन जीरो होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आराम से प्रोसीड हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो पी बी प्लस टू दे रखा है, और यहाँ पे पी बी प्लस, सॉरी पी बी प्लस फोर दे रखा है, और यहाँ पे पी बी प्लस टू दे रखा है, तो इन दोनों में डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा प्रोसीड करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, पी बी प्लस टू जो है वो ज्यादा फेवरेबल होगा एज कम्पेयर टू पी बी प्लस फोर के मुकाबले में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा, मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पी बी एंड एस एन विल बी, तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल पी बी प्लस फोर एंड पी बी प्लस टू के अंदर मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो आपके पास कौन सी होगी, पी बी प्लस टू की ऑक्सीजन स्टेट होगी, ठीक है ना। सेकेंड अगर देखते यहाँ पे एस एन प्लस फोर है, जबकि यहाँ पे एस एन प्लस टू दे रखा, ठीक है ना, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दे रखी, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन आराम से प्रोसीड नहीं कर पाएगी, इसका मतलब एस एन जो है वो प्लस फोर में ही रहना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू एस एन प्लस टू के मुकाबले में। तो यहाँ पे एस एन रहेगा
मोस्ट प्रोबेबल SN प्लस 4 की फॉर्म में, जबकि PB जो रहेगा वो PB प्लस 2 की फॉर्म में, ऐसा जो मैच कर रहा है वो केवल और केवल किसके साथ मैच कर रहा है, फोर्थ के साथ मैच कर रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि द रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन दे रखा है रिएक्शन का, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि क्यू और केसी में रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखो केसी तो होता है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, ठीक है ना, जबकि क्वेश्चन जो होता है वो किसी भी एट ए पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जरा ध्यान दी, अगर मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, ठीक है ना, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना है तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना भाई। रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना है तो प्रोडक्ट कम अमाउंट का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रोडक्ट अगर कम अमाउंट का होगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर लेगी, इसका मतलब क्यू की वैल्यू जो है आपके पास केसी से आपके पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और क्यू की वैल्यू अगर केसी से कम होगी उस कंडीशन में रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर लेगी। इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते अपने अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइज ऑफ एस्टर आर 1.1। मतलब आपको KF एंड आपको KB की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। आपको पता नहीं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ये आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो होता है केसी जो होता है वो किसके बराबर होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड के बराबर होता है, ठीक है ना। ये आपको पहले से पता है, के फॉरवर्ड की वैल्यू दे रखी है 1.1 इंटू 10^-2 अपॉन के बैकवर्ड की वैल्यू कितनी, 1.5 इंटू 10^-3, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाए, ठीक है ना। डायरेक्टली एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, केसी बराबर क्या होगा, KF अपॉन के बैकवर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए यहां पे प्रॉब्लम ये, कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। आपको pH निकालना है 25°C पर, विच कंटेन 10^4। आपको यहां पे हाइड्रोनियम आयन दे रखा है, हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है 1 × 10^-10 दे रखा है, ठीक है ना। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं। pH जो होता है माइनस log H प्लस के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा, माइनस log H प्लस का कंसेप्ट क्या है, 10^-10 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे pH की वैल्यू कितनी आएगी, 10 के बराबर। अब 25°C पे आपको पता है कि pH प्लस pH की जो वैल्यू होती है वो 14 के बराबर होती है, ठीक है ना। तो pH की वैल्यू 10 के बराबर दे रखी है, प्लस साथ में pH विल गिव यू 14, ठीक है ना। तो यहाँ से pH की वैल्यू कितनी आएगी, 4 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे 4 किस में मैच कर रहा है, सेकेंड के अंदर मैच कर, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलिए अगला। आपको क्या कह रहा है कि विच ऑक्साइड कैन नॉट एक्ट एट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव कौन करता है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। तो यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, प्लस 4 के बराबर। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए, लेकिन कार्बन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकता है, प्लस 4 कर सकता है, तो प्लस 4 से ऊपर जा नहीं पाएगा। तो ये वाला जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ClO2 में Cl की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, प्लस 4 आ रही है, तो प्लस 4 आ रही है। तो ये वाला जो है क्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो होती है प्लस 7 होती है, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो क्या कर लेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव कर लेगा। NO2 में यहाँ पे प्लस 4 आ रही, हाईएस्ट कितनी होती है, प्लस 5 के बराबर, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यहाँ पे सल्फर में प्लस 4 आ रही, सल्फर की हाईएस्ट प्लस 6 होती है, तो प्लस 6 ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये तीनों तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जबकि ये वाला ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला क्या नहीं कर सकता, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि कैलगन के बारे में पूछ रहा है कि कैलगन जो है जो वाटर सॉफ्टनर के रूप में यूज होता है, बेसिकली कैलगन जो है वो वाटर को प्यूरिफाई या फिर सॉफ्ट करने में काम आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कैलगन बेसिकली क्या है, तो ध्यान रखिए जब आप सोडियम मेटाफॉस्फेट लेते हो, ठीक है ना, इसके 6 मोल लेते हो, तो ये वाला आपके पास क्या होता है, कैलगन, ठीक है ना। इसको मोस्ट प्रॉपर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, Na6PO3 का होल 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें जब आयन एक्सचेंज होते हैं वहां पे, ठीक है ना, जब सॉफ्ट करते हो तो जब आयन एक्सचेंज करते हैं तो Ca+2 या फिर Mg+2 का आयन एक्सचेंज होते हैं। तो Ca+2 कितने, 2H2Na+ को हटाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो आपके पास इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब एग्जैक्टली कैलगन का जो फॉर्म लिखोगे तो Na2Na4PO3 का होल 6 की फॉर्म लिखोगे, और ऐसा जो मैच कर रहा है वो किसमें मैच कर रहा है, फर्स्ट के अंदर मैच कर रहा है, ठीक है बेटा। इसका आंसर फर्स्ट वाला आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए
अगला प्रॉब्लम देखो, यहां पे प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर की। ध्यान रखें कि जब आप क्या करोगे, ब्लीचिंग पाउडर जब आप क्लोरीन को स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन कराते, ठीक है ना, क्लोरीन को स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन कराते, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या ऑप्टेन होता है, CaOCl2 ऑप्टेन होता है, जिसमें Cl की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आती है, +1 and -1 आती है, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर इज ऑप्टेन बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड ड्राई स्लैक्ड लाइम, तो आपको क्या लेना है, ड्राई स्लैक्ड लाइम लेना है, तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए अगला प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल इज 508, मतलब ए की जो वैल्यू जो थी 508 के पिकोमीटर के बराबर दे रही, ठीक है बेटा, ये वाली दे रही। फिर क्या, इफ द रेडियस ऑफ कैटाइन, आपको कैटाइन की रेडियस दे रही कितनी, 110 पिकोमीटर के बराबर दे रही, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ एनायन, आपको बताना है एनायन की रेडियस बतानी, ठीक है ना, एनायन की रेडियस बतानी, ठीक है ना। और यहाँ पे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दे रखा है, FCC टाइप का स्ट्रक्चर ये, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, रॉक सॉल्ट के अंदर कैटाइन जो होता है वो ए सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है, ये एनायन मान ले तो ये यहाँ पे एनायन मान ले, इन टोटल जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, ए के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल लेंथ, अब ये तो एनायन हो गए और ये यहाँ पे क्या हो गया, एनायन, और यहाँ पे पूरा कैटाइन, तो कैटाइन की दो रेडियस मतलब 2R कैटाइन जो होगा, 2R कैटाइन प्लस ये वाला क्या होगा, 1R आधा हाफ R इसका होगा और एक इधर से आएगा, तो 2R माइनस ये किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो यहाँ से 2 अगर कॉमन लोगे तो R कैटाइन प्लस R एनायन इजिकल टू कितना आएगा, A के बराबर। अब कैटाइन की वैल्यू आपको दे रखी, ठीक है ना, और A की वैल्यू आपको दे रखी, तो कैटाइन की वैल्यू पुटअप कर लीजिए, A की वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो यहाँ से R माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो R माइनस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 144 पिकोमीटर के बराबर आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए अगला प्रॉब्लम, यहां पे क्या कह रहा है कि ऑल फॉर्म, ठीक है ना, यहां पे ये कह रहा है कि ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो ध्यान दें, जो नॉन पोलर और नॉन पोलर होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर जो होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी वाले नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये नॉन पोलर और नॉन पोलर तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, ये पोलर है पोलर है, पोलर पोलर आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करते, ये वाला नॉन पोलर आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते। आपको ये पूछा कि इसमें कौन सा, भाई ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, मतलब ऑल सभी जो है वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते सिवाय किसको छोड़ के, इसको छोड़कर, ठीक है ना। तो थर्ड वाला ऑप्शन इथेनॉल प्लस वाटर जो है वो नेगेटिव रिएक्शन शो करता है, ये जो है आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता, बात समझ में आ रही, ठीक है ना। इथेनॉल प्लस वाटर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है ना। इथेनॉल प्लस वाटर जो है, ध्यान रखिए बेटा, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता है, और मैं वापस रिपीट कर ले तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव डिवीजन बोल दिया था, तो इथेनॉल प्लस वाटर जरा ध्यान देना, इथेनॉल प्लस वाटर जो है वो पॉजिटिव डिवीजन शो करता है, नेगेटिव डिवीजन शो नहीं करता, क्योंकि वाटर में अगर अकेला वाटर है तो अकेले वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। और जब इथेनॉल इसके अंदर मिला दे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अमाउंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अमाउंट कम होगा तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा। तो ध्यान दे बेटा, इथेनॉल प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डिवीजन शो कर, स्पेशली पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और साथ ही ये ध्यान रखें कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं, तो इसके अंदर जो चार ऑप्शन दे रखे इनमें आपस इथेनॉल प्लस वाटर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते अगला, यहां पे क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट दे रखा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस दे रखा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कैलकुलेटिव प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl ये वाली वैल्यूज दे रखी है आपको, ठीक है ना। आपको पूछा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ C2H5COH, तो मैं आपको रिएक्शन को थोड़ा बता देता हूँ, CH3COH को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई C2H5 और जो डाटा दे रखा है CONA, ठीक है ना, ये वाला दे रखा है आपके पास CONA का डाटा दे रखा है। अब हमको NaCl नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर H नहीं आ रहा है, ठीक है, तो NaCl इसके अंदर से माइनस करोगे। अब NaCl माइनस करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ से आपके पास Na हट जाएगा, एक तरह से NaNA कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथ में HCl हमको H भी चाहिए, तो यहाँ पे H चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस HCl करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे सी एस थ्री सी टू एच फाइव सी ओ माइनस एन ए प्लस दे रखा, इसमें ये माइनस करोगे प्लस साथ में एच सी एल करोगे, एच सी एल सी एल कट जाएगा, एन एन कट जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास ये वाला आएगा, ठीक है ना। अब इसका अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो इनके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 126.45 दे रखी है, ठीक है ना। माइनस एन ए सी एल की वैल्यू कितनी दे रखी बड़ा, एन ए सी एल की दे रखी है, सॉरी इसकी वैल्यू ये नहीं दे रखी है, इसकी वैल्यू आपके पास थर्ड में 91 दे रखी है, ठीक है ना। माइनस एन ए सी एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 126.45 प्लस एस एल की जो वैल्यू दे रखी 426.16 के बराबर दे रखी, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम, ध्यान दे ये प्रॉब्लम थोड़ा लैटिमर डायग्राम से रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम है, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इस तरीके की प्रॉब्लम जब आ जाए कि भाई आपको कॉपर प्लस टू का कॉपर में दे रखा है, कॉपर प्लस टू का कॉपर प्लस में दे रखा है, कॉपर प्लस वन से कॉपर में जाना है, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपको प्रॉब्लम करना। इसमें ऐसे टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना होता है कि डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स को कंपाउंड जो करते हैं तो इनका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए पूछ जाए, दो की वैल्यू दे रखी होती है, तीसरी की आपको निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको देखो जितनी भी ऑक्सीजन स्टेट्स को रीअरेंज कर लिए, तो यहाँ पे कॉपर प्लस टू है, कॉपर प्लस वन भी आ रहा है बीच में देखो, तो कॉपर प्लस टू से आपके पास कॉपर प्लस वन लीजिए और उसके बाद में आपके पास कॉपर जीरो में आए, ठीक है ना। वैल्यू दे रखी कॉपर प्लस टू से लेके कॉपर में, तो कॉपर प्लस टू से लेके कॉपर में जो वैल्यू दे रखी वो कितनी दे रखी, इनोड की 0.337 के बराबर दे, ध्यान से देखना। फिर दे रखी कॉपर प्लस टू से कॉपर के लिए दे रखी, तो कॉपर प्लस टू से लिए कॉपर की जो दे रखी वैल्यू अपने पास ये वाली दे रखी 0.153 वोल्ट के बराबर दे रखी। आपको निकालनी कॉपर प्लस वन से लेके कॉपर की, कॉपर प्लस वन से लेके कॉपर की वैल्यू निकाल, तो जिसकी निकालनी उसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अपने पास टोटल, वैसे डेल्टा जी की वैल्यू निकाल रहे, मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दूँ, आपको क्या करना है टोटल ले लीजिए, टोटल कितनी दे रही है 0.337 इनटू इसका एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो कॉपर प्लस टू से यहाँ पे किस में जा रहे हैं, कॉपर जीरो में जा रहे हैं, तो कॉपर प्लस टू से कॉपर जीरो में गए तो चेंज कितने का आएगा, दो का, दो का चेंज आएगा तो इसका एन फैक्टर दो, ये बराबर इसके होगा, ये पूरी वैल्यू इसके प्लस इसके बराबर होगी। अब इसमें वैल्यू कितनी देर की है 0.153 इनटू इसका एन फैक्टर कितना आएगा, वन के बराबर, वन प्लस साथ में क्या करोगे, यहां पे कॉपर प्लस वन से कितना आएगा कॉपर में, इसकी वैल्यू एक्स दे रखी तो एक्स इंटू कॉपर प्लस वन से जीरो में जा रहा है तो जीरो में चेंज कितना आएगा, वन का, ठीक है ना, कॉपर प्लस वन। तो यहां पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपके पास क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है एकदम। जब भी आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की आपके पास इनोड की वैल्यूज दे रखी हो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रीअरेंज करना है और उसके बाद में जो जो वैल्यूज दे रखी उसको लिख लीजिए और जो नहीं दे रखी उसको एक्स मान लीजिए। फिर आप क्या करोगे, जो टोटल की होती है ना आपको क्या करना है, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है इजिकल टू करना है जो भी बीच में दे रखा है इनके सम के बराबर, बात समझ में, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली डेल्टा जी से ही किया अपन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए 66 प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहे बेटा, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज 50 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू जो दे रखी है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 50 किलो कैलोरी दे रखी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉर रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, वो डेल्टा एच की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज़्यादा होगी एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसमें आइदर ग्रेटर और लेस देन 50 किलो जरूरी, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, बात समझ में आ रही, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ एनायन टू ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ गिवन कोलोइड डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो किसी भी आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना, तो इसकी एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगी हार्डी सुलझी नियम के अनुसार और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो सिंपल प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं। चलो नेक्स्ट चलिए 68 कैसेटेराइट, कैसेटेराइट के बारे में बताने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। कैसेटेराइट जो है बेसिकली आपके पास क्या है, आपको मालूम है कैसेटेराइट होता है SNO2, ठीक है ना, SNO2 होता है कैसेटेराइट, ठीक है। तो ये बेसिकली किसकी ओर है, SN की ओर है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम,
नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, नाइट्रिक एनहाइड्राइड कौन सा है? तो आपको पता है कि नाइट्रिक एनहाइड्राइड जो है बेसिकली जब आप HNO3 से वाटर को हटाते हो, ठीक है ना, HNO3 से वाटर को हटाओ, ये तो है नाइट्रिक एसिड, और HNO3 के एक मोल से वाटर नहीं हटेगा तो आपको दो मोल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ से क्या होगा H2N2O6 आ जाएगा, इसके अंदर से वाटर को हटाओगे तो आपके पास क्या बनेगा बताइए, N2O5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा N2O5, ठीक है ना, तो ये वाला आपके पास क्या है नाइट्रिक एनहाइड्राइड, ठीक है, तो N2O5 जो होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा नाइट्रिक एनहाइड्राइड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए प्रॉब्लम आगे वाली प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कह रहा है, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉमन नॉट ए कॉमन पॉलिटेंट, तो ध्यान दे N2O5 जो होता है वो बेसिकली कॉमन पॉलिटेंट नहीं होता है नाइट्रोजन का, तो ये इंफॉर्मेटिव चीज है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, आपको पूछा गया क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, तो आप आराम से निकाल सको, 5 टू जा कितना होगा 10, 10 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 5 टू जा 10, 10 सॉरी 5 टू जा 10 माइनस 4 कितना होगा 6, 6 डिवाइड बाय 2 कितना होगा प्लस 3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट प्लस 3 आ जाएगी, यहाँ पे 6 टू जा कितना होगा 12, 12 माइनस 4 कितना होगा 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना होगा प्लस 4, तो इसमें प्लस 4 आ जाएगी, 7 टू जा कितना होगा 14, 14 माइनस 4 कितना होगा 10, 10 डिवाइड बाय 2 कितना होगा प्लस 5, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट प्लस 5, तो यहाँ पे कौन कौन से आएगी रेस्पेक्टिवली प्लस 3, प्लस 4 एंड प्लस 5 के बराबर आ जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्टिनोइड्स शोज प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ध्यान दीजिए प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करता है, तो जब लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो एक्टिनोइड के अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, तो बीच वाले जो पेयर होते हैं, बीच वाले जो पेयर होते हैं नेप्च्यूनियम और प्लूटोनियम होते हैं, ठीक है ना, तो ये वाले जो होते हैं बेची एनपी एंड पी यू जो है वो प्लस 7 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको याद ही रखिए कि एक्टिनोइड के अंदर प्लस 7 ऑक्सीजन स्टेट ये दोनों पेयर शो करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए अगला वाला प्रॉब्लम क्या है, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ केसीएन, तो कॉपर सल्फेट है अगर मैं केसीएन के साथ रिएक्शन करता हूं, ध्यान दी कॉपर प्लस 2 जो है सीएन माइनस के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला जो है कॉपर जो है वो कॉपर प्लस 1 में आ जाता है, ठीक है ना, कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 1, और कॉपर प्लस 1 एक्सेस सीएन माइनस के अंदर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉपर प्लस 1 सीएन माइनस होता है तो कॉपर प्लस 1 सीएन माइनस 4 टोटल कितना आएगा माइनस 3, ठीक है ना, तो माइनस 3 आएगा, और ऐसा किसमें मैच कर रहा है सेकंड के अंदर मैच कर रहा है, इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा बेटा सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अगला प्रॉब्लम में ध्यान दे कि मैग्नेटिक मोमेंट जो दे रखा है म्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो आपके पास 1.73 बोर मैग्नेटॉन के बराबर दे रखी है, ठीक है, म्यू की वैल्यू आपको पता है, और ये म्यू की वैल्यू जो होती है आपके पास आपको पता है रूट एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन के बराबर होती है, ठीक है ना, और वो कितनी आएगी 1.73 के बराबर दे रखी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एन की वैल्यू जब आप 1 लेते हो, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 लेते हो तभी आपके पास क्या होता है इसकी वैल्यू 1.73 के बराबर है, तो नंबर ऑफ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा आपको पता है इसके अंदर ट्रांसपेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, कॉपर प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे रखा है और NH3 के अंदर ट्रांसपेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसपेरेंस इलेक्ट्रॉन से ही इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, बाकी में सभी में चेक करोगे तो किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होंगे और किसी में आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, ठीक है। चलो 75 प्रॉब्लम देखिए बड़ा, 75 रिएक्शन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद, आपको रिएक्शन करनी है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, ठीक है ना, तो वैसे तो इसमें हीट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है लेकिन ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री अगर दे रखा और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा तो E2 मैकेनिज्म ज्यादा फॉलो होता है, तो इसके अंदर क्या होगा एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन होगा तो बीटा पोजीशन से एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला बॉन्ड इधर ये यहाँ से लिविंग ग्रुप में हट जाएगा तो यहाँ से आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं आइसोब्यूटेलिन कहते हैं, तो आंसर कौन सा आएगा आपका 4th वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलते अगला प्रॉब्लम 76 आपको क्या कह रहा है प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए, आपको रिएक्शन का सीक्वेंस बताना, ठीक है ना, क्या कह रहा है CH3Br, तो देखो अगर मैं CH3Br को किसके साथ रिएक्शन करूँ KCN के साथ तो ये न्यूक्लोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, यहाँ पे अटैक करके इसको डिस्प्लेस करेगा, न्यूक्लोफिलिक सप्रेशन रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे C(NN) आ जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस कराया, अगर मैं इसका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, ध्यान दीजिए अगर मैं इसका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो यहाँ से क्या बन जाता है
CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइज कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करके इसको रिड्यूस कर लेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर लेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इथाइल एल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, लुकाज रिएजेंट। तो ध्यान दें, अगर आपको पूछे लुकाज रिएजेंट क्या है, तो ध्यान दें लुकाज रिएजेंट का प्रयोग जो है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में किया जाता है। और ये बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा, और रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए अपने पास अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल द मोस्ट रीडिली अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आराम से इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे Cl है, क्लोरोबेंजीन, दूसरे में बेंजीन दे रखा है, और तीसरे में आपके पास क्या दे रखा है बेटा, फिनॉल दे रखा है, और चौथे में आपके पास क्या दे रखा है, टॉलिन दे रखा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास क्या करता है, प्लस एम शो करता है, तो प्लस एम शो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्या होगी, ज्यादा। तो इजीली अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल करेगा वो इस बेंजीन रिंग पे कर लेगा, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा बड़ा, फिनॉल आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरिंग, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर होती है, और एल्डिहाइड एंड कीटोन में भी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की क्या होती है, ज्यादा होती है कीटोन के मुकाबले में, ठीक है ना। अब इसमें भी आप चेक करोगे जो एल्डिहाइड जिसमें स्टेरिक इंटरेस्ट क्या हो, कम हो, त्रिविम बाधा कम हो, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो देखो ये कीटोन इसकी नहीं होगी, ये भी कीटोन इसकी नहीं होगी, ये एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, अब इसमें स्टेरिक इंटरेस्ट इसमें क्या होगा, कम होगा, और जिसमें स्टेरिक इंटरेस्ट कम होगा इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति क्या होगी, ज्यादा होगी। फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चलिए नेक्स्ट, व्हेन द फिनोल राइमर टाइमर रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा आपने, राइमर टाइमर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म CsCl3+NaOH के साथ कराते हैं, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, सेलिसाइलिक एसिड बन जाता, सॉरी सेलिसाइलिडेट बन जाता, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ऑप्शन कौन सा आएगा, सेलिसाइलिडेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए अगला, आपको क्या बताना, इसका IPAC नेम बताना, ठीक है ना। आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है, IPAC नेम में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करोगे, लॉन्गेस्ट चेन ये वाले, नंबरिंग मेजर फंक्शन ग्रुप क्या है, CHO, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है ना। ये वाला सब्सटेंट की तरह बिहेव करेगा, ये भी सब्सटेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोक्सी पहले आता है, मिथाइल पहले आता है, हाइड्रोक्सी पहले आता है तो फोर्थ पे क्या आया, हाइड्रोक्सी आया, तो फोर्थ पे तो हाइड्रोक्सी आया, टू पे क्या आएगा, मिथाइल आएगा, फिर वर्ड रूट में कार्बन कितना है, पांच, कार्बन कितना आएगा, पेंट, और दो पे क्या है, अल्कीन आ रहा है तो 2-ene, और 1 पे एल्डिहाइड तो 1-al, इसलिए आंसर कौन सा बड़ा, सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट, अब देखो यहां पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सो टोटोमरिज्म, देखो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं इस जगह पे, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन ब्रिज वाला कार्बन है, और ब्रिज वाला कार्बन जो का हाइड्रोजन जो है वो टोटोमरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये वाला शो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी शो नहीं करेगा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब इसमें अगर चेक करोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला थोड़ा अलग है, कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ऐसा आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH है। अगर मैं ये वाला लेता हूँ, जरा ध्यान सुनना, अगर मैं ये वाला लेता हूँ जैसे ये डबल बॉन्ड O है, इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लेता हूँ, तो क्या ये वाला टोटोमरीज में शो करेगा, ये वाला टोटोमरीज में शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन आते यहाँ पे टोटोमरीज में शो करेगा, और जब ये टोटोमरीज में शो करेगा तो इसका टोटोमर भी होगा, और इसका टोटोमर जब बनाओगे तो ये वाला टोटोमर बन जाएगा, और ये वाला बनेगा तो इसका मतलब ये भी तो टोटोमरीज में शो करेगा, ठीक है ना। आपको ऐसा पूछा गया है कि कौन सा टोटोमरीज में शो करता है, तो हम नॉर्मली कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर कैसे क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो हमने ये वाला केस लिया अल्फा हाइड्रोजन है, जब इसका टोटोमर बनाओगे तो ये वाला बन जाएगा, तो अब ये इसका टोटोमर है, तो ये शो करेगा तो ये भी करेगा क्योंकि इसका टोटोमर है, इसलिए आंसर कौन सा बड़ा, सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा C3H9N दे रखा, ठीक है ना। इसके अंदर DU की वैल्यू 0 के बराबर है, DU की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, या फिर कोई रिंग नहीं है। अब देखो तीन कार्बन लेते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल, एक तो ये हो सकता है, एक आपके पास क्या हो सकता है, ये वाला,
ये तो 1 डिग्री के। अब अगर मैं 2 डिग्री वाला नाइट्रोजन लेता हूँ तो ये वाला खो सकता है, ठीक है ना, 2 डिग्री में। और फिर बाद में अगर इसको इधर लूँ तो कोई मतलब वाली बात है नहीं। और 3 डिग्री में आपके पास ये वाला केस हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होंगे वो कितने आएंगे, 4। तो आंसर कौन सा आएगा, 4th वाला आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अगला देखते क्या कह रहे हैं। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन बाय द यूजिंग द मिक्सचर ऑफ। तो देखो अगर जब बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, स्कॉन्क HNO3 प्लस साथ में H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तब आपके पास क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है बड़ा, नाइट्रोजन बेंजीन। और जब मैकेनिज्म पढ़ते हो तो मैकेनिज्म के अंदर ध्यान रखे, NO2 पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। कैसे करता है, ये बेसिकली H2SO4 से, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ये H2SO4 से H+ लेता है, और H+ लेगा तो H+ ये दे रहा है तो ये तो क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है ना। और ये H+ ले रहा है इसका मतलब क्या होगा, बेस होगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने के लिए, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए ये H2SO4 से H+ लेता है, तो ये H+ ले रहा है तो इसका मतलब ये वाला क्या करता है, बेस की तरफ। तो आपको पूछा गया कि नाइट्रिक एसिड किसकी तरफ बिहेव करता है, तो ध्यान दे यहाँ पे किसकी तरफ बिहेव करेगा, बेस की तरफ बिहेव कर लेगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए प्रॉब्लम क्या है कि इसको NaNO2+ साथ में HCl, जब भी NaNO2+ साथ में HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद इसका मतलब होता है HNO2 के साथ रिएक्शन। और जब भी एक चीज ध्यान रखिए, अगर बाई द वे 2 डिग्री अमीन दे रखा हो, ठीक है ना, और 2 डिग्री अमीन की अगर मैं HNO2 का मतलब HONO, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, H2 हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, RNR, यहाँ पे कोई सा भी आ जाएगा आपके पास आ जाए, 2 डिग्री अमीन की अगर HNO2 के साथ रिएक्शन कराते, HNO2 का मतलब क्या होगा, NaNO2+ साथ में HCl, तो आपके पास ये वाला N नाइट्रोसो, ठीक है ना, 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है, और ऐसा ये वाला है। अब इसके अंदर आपके पास क्या होगा, N नाइट्रोसो आएगा, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड आपके पास बीटा डी ग्लूकोज के बारे में पूछ रहा है। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर होते हैं, बताने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे चलिए, विटामिन B12, ठीक है ना, तो विटामिन B12 के अंदर क्या होता है बताइए, कोबाल्ट थर्ड होता है, आपको पता ही विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं, साइनो कोबालामिन कहते हैं, और साइनो कोबालामिन तो मतलब कोबाल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो अगला चेक करते, 88 प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, बेकेलेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। ध्यान दें जब फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं ना, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, तो या तो नेवोलैक बनता है या फिर क्या करते हैं, बेकेलेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये बेसिकली फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अगला प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन। तो कोल्ड कंडीशन के अंदर एस्पार्टम स्टेबल होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये कोल्ड कंडीशन पे, और बेसिकली इसका यूज जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यूज होता है, या फिर कोल्ड फूड्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा बड़ा, एल्डोल कंडीशन विल नॉट टेक्स प्लेस। ध्यान दे एल्डोल कंडीशन के लिए कंडीशन क्या है, कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन HC OH के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए इसके अंदर आपके पास क्या नहीं हो पाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है बड़ा। थैंक यू वेरी मच।